लेकर नहीं हो सकेंगे स्पर्श दर्शन। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर रोक लगाई है। नए साल में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और इसी वजह से मंदिर प्रशासन की तरफ से यह कदम उठाया गया है। भारी भीड़ होने की वजह से स्पर्श दर्शन पर रोक लगाई गई है। स्पर्श दर्शन के साथ वीआईपी दर्शन पर भी फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है। लखनऊ से बड़ी खबर, फरवरी में 5 दिन नहीं होगी होटलों की बुकिंग। 9 से 13 फरवरी तक होटलों की बुकिंग नहीं होगी। इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। होटलों की बुकिंग पर रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन ने होटल संचालकों को निर्देश जारी कर दिए। 10 से लेकर 13 फरवरी तक होने वाली इन्वेस्टर्स समिट को देखते हुए सभी होटलों में 5 दिन बुकिंग नहीं हो पाएगी। 9 से 13 फरवरी तक होटलों की बुकिंग नहीं हो पाएगी। तो फरवरी में यूपी में इन्वेस्टर्स समिट होना है और उसी के चलते प्रशासन की तरफ से यह कदम उठाया गया है। 9 से लेकर 13 फरवरी तक लखनऊ में होटल्स में बुकिंग नहीं हो पाएगी। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर है, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के सेवा में विस्तार किया गया। यूपी सरकार ने 1 साल का सेवा विस्तार उन्हें मिला है। दुर्गा शंकर मिश्र यूपी के मुख्य सचिव बने रहेंगे। आज से उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। दुर्गा शंकर मिश्र 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर। तो 1 साल का सेवा विस्तार मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को मिला है। सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। तो यूपी सरकार में 1 साल के लिए सेवा विस्तार किया गया दुर्गा शंकर मिश्र का, यानी कि मुख्य सचिव बने रहेंगे। और कानपुर से बड़ी खबर है, आज से 1 जनवरी तक 24 घंटे का सत्याग्रह। एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी करेंगे सत्याग्रह। विपक्षी पार्टियों को डराने धमकाने के विरोध में सत्याग्रह किया जाएगा। झूठे मुकदमों में फंसाने लचर कानून व्यवस्था का विरोध किया जाएगा। एसपी विधायक की तरफ से कानपुर में गांधी प्रतिमा फूलबाग में यह सत्याग्रह किया जाएगा। विधायक इरफान सोलंकी पर कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी अब सरकार को घेरने की तैयारी में है। कानपुर आर्यनगर सीट से एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी ने आज से 1 जनवरी तक सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी के मुताबिक साल 2022 में विपक्षी पार्टियों को डराने धमकाने झूठे मुकदमों में फंसाने लचर कानून व्यवस्था और झूठी बयानबाजी के लिए जाना गया। इसी उम्मीद और कामना के साथ आने वाले साल 2023 में झूठ का सफाया हो और सच आ गया है, इसके लिए 24 घंटे का सत्याग्रह किया जाएगा। और नए साल पर हुड़दंग मचाने वालों से निपटने के लिए पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही। पुलिस ने जगह जगह पैदल मार्च निकालकर लोगों के अंदर सुरक्षा का भाव पैदा किया है। आप टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें मथुरा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, रायबरेली और बांदा में पुलिस ने पैदल मार्च निकाला है। तो ये 5 तस्वीरें हैं। नए साल पर किसी भी तरह का सड़कों पर लोगों के द्वारा हुड़दंग न किया जाए, उसको देखते हुए पैदल मार्च किया गया यूपी पुलिस के द्वारा। और सुरक्षा का भाव लोगों को दिखाया गया है। तो चप्पे चप्पे पुलिस की नजर रहेगी। नए साल के जश्न के दौरान किसी भी तरह के बवाल को रोकने के लिए पुलिस ने तैयारी कर ली और इसके लिए उन जगहों पर खास चौकसी की तैयारी है जहां पर जश्न के दौरान हंगामा